रिजर्व बैंक के साथ साथ केंद्र सरकार भी पेटीएम क्राइसिस को लेकर काफी गंभीर है। पेटीएम पर नियमों का पालन ना करने को लेकर कार्रवाई हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाना देश के फिनटेक सेक्टर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में स्टार्टअप और फिनटेक सेक्टर की चिंताओं को दूर करने के लिए आरबीआई के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक मीटिंग की थी, जिसमें आरबीआई को एक खास निर्देश मिला है, जिसके मुताबिक पेटीएम पेमेंट बैंक जैसी घटनाओं को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है, ताकि उन्हें पहले ही रोका जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई को सलाह देते हुए कहा कि वो फिनटेक कंपनियों के साथ हर महीने एक मीटिंग करें और कंपनियों की चिंताओं को खत्म करें, जिससे वो कंपनियां अपने काम को बिना किसी चिंता के आराम से कर सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे ये कहा कि इस कदम से फिनटेक और स्टार्टअप कंपनियों के मुद्दों को समय रहते हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं आरबीआई को भी रेगुलेटरी काम करने में आसानी होगी। वित्त मंत्री ने सलाह दी है कि आरबीआई एक दिन तय करके फिनटेक कंपनियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर सकता है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद फिनटेक कंपनियों ने नियमों के अनुपालन से जुड़ी अपनी कई चिंताएं जाहिर की हैं, जबकि स्टार्टअप सेक्टर की कंपनियों ने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों को उठाया है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी कि एनबीएफसी के लिए कुछ रूल्स के कंप्लायंस को आसान बना दिया है। ये रूल्स निगरानी से जुड़े हुए अब बैंकों और एनबीएफसी के लिए निगरानी के डेटा को पेश करने से जुड़े रूल्स और गाइडलाइंस को एक ही जगह समाहित कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा है कि इन मास्टर गाइडलाइंस का उद्देश्य एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करना है। ये उनके जमा करने की समय सीमा में सामंजस्य स्थापित करता है। इन नियमों के दायरे में सभी कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, एक्जिम बैंक यानी कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, एनएबीएफआईडी यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और एनबीएफसी शामिल हैं। बाकी इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या निर्मला सीतारमण ने जो भी ये सजेशन दिया है वो सही है। और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।